सो इस फाइनली जो है फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल आपके सामने, एंड ये इसका नेक्सा ब्लू कलर, एंड लॉन्च हो चुकी है फाइनली 7.46 लैक्स अराउंड जो इसके शोरूम प्राइस है सिग्मा वेरिएंट की। एंड आज जो इसको पूरा वॉक राउंड आपको देने वाला हूं, तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें आपको एलईडी रिफ्लेक्टर लाइट नहीं, एलईडी कोई प्रोजेक्टर नहीं, यहाँ पे जो है आपको ओनली हेलोजन प्रोजेक्टर्स देखने मिलते हैं, हेलोजन में लाइट देखने मिलती है। ग्रिल वगैरह सब फ्रंट में सेम है, लाइक उसमें कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। साइड में जो आपको फेंडर लाइन मिल जाएगी, उसके बाद 15 इंच के आपको व्हील्स मिल जाते हैं स्टील रिम्स, एंड ORVM पे कोई इंडिकेटर नहीं है, फेंडर पे इंडिकेटर है, कोई किलेस एंट्री नहीं है, आपको नॉर्मल जो है बॉडी कलर में इसके बी पिलर सी पिलर मिलेंगे एंड ब्लैक कलर में डोर वाइजर वगैरह। उसके बाद यहाँ पे पीछे जो है आपको पूरी LED टेल लाइट मिलती है, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है, ये सेम है जैसी आपको बेसिक लाइक टॉप मॉडल में जैसे मिलती है ना, वैसे ही बेसिक मॉडल मिलेगी। पीछे 4 पार्किंग सेंसर है, डिफोगर पीछे आपको मिल जाएगा, एंड स्पॉयलर मिल जाता है। स्पॉयलर के साथ आपको जो ऊपर शार्फिन एंटीना एंड रूफ रेल्स वगैरह सब जो है देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अभी जो ना अंदर चलते हैं गाड़ी के, एंड देन देखते हैं कि अंदर में जो है क्या कुछ ऑफर किया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि भाई इस गाड़ी में जो है अपने को क्या मिल सकता है अंदर। तो चलिए दिखा देता हूँ कि अंदर आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहले खोलते हैं इसका ड्राइवर डोर एंड देखते हैं अभी। तो ये देखो बिल्कुल बेसिक है, लाइक चारों पावर विंडो आपको मिल जाती है। ORVM जो है मैन्युअली आपको सेट करने पड़ेंगे। उसके बाद फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है, एंड यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह कंट्रोल है, बीम वगैरह के हैं, एंड यहाँ पे जो है कोई भी स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक AC है, कोई म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे नहीं मिलेगा। फ्रंट हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल है, रियर हेडरेस्ट भी जो है एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मीटर जो है कुछ ऐसा है, बीच में जो है MID आपको डिजिटल मिलेगी, बाकी दोनों तरफ जो है एनालॉग आपको देखने मिलेगा। सो ठीक ठाक सा जो है इसमें मीटर दे दिया गया है। उसके बाद गाड़ी में जो है पीछे आपको स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा, लाइक स्पेस के मामले में ना कहीं पे भी कोई भी जो है कॉम्प्रोमाइज कंपनी ने नहीं किया है। तो देख सकते हो पूरी जो है अच्छी सीट्स आपको मिलती है गाड़ी के अंदर। मेन चीज़ पीछे भी जो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, एंड यहाँ पे जो है जो लाइक पावर विंडो है वो आपको चारों ही विंडोज़ में मिल जाएगी। पीछे डिफोगर है, 190 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस है। यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा बूट स्पेस आपको मिल जाएगा, कोई भी पार्सल ट्रे बट यहाँ पे नहीं है। सो ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे स्पेस वगैरह दिया गया है, और जो रियर प्रोफाइल है ना वो काफ़ी बढ़िया जो है बनाई गई है। तो यहाँ पे देखो भाई काफ़ी ऊंची गाड़ी लग रही है ये। इसका जो फुल डिटेल्ड रिव्यू है ना वो मैं कल आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इसकी जो प्राइस है ना वो ऑन रोड में आपको बता दूँ लगभग 8.5 लाख के करीब जाएगी। तो कौन कौन इस गाड़ी को खरीदने वाला है मेरे को नीचे बताना, बाकी वैल्यू फॉर मनी आपको लगी नहीं लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, एंड इस गाड़ी को हमें लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए वो ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सोच रहा था क्यों ना इस गाड़ी को लेके इस पे जो है अच्छी खासी मॉडिफिकेशंस कराई जाए एंड देखी जाए कि भाई गाड़ी कितनी ज़्यादा कैपेबल है। तो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी यार ये तो कुछ आज की वीडियो में, एंड आई नो काफ़ी सारे लोगों को जो है डिसअपॉइंट कर सकती है क्योंकि इसमें जो है ना बेसिक से ही फीचर्स दिए गए हैं। तो चलिए यार कोई नहीं, कल डिटेल्ड वीडियो में जानते हैं सारी चीज़ें। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।